वर्धन पूजा और भाई दूज के दोस्तों ढेर सारा शुभकामना मेरे तरफ से और मेरे पूरा फैमिली के तरफ से। दोस्तों ये गोवर्धन पूजा एकदम आसान तरीके से मनाया जाता है दोस्तों यूपी बिहार में, और ये बहुत अच्छा पर्व है दोस्तों। आज मैं सबसे आसान तरीके से इसका रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि हम ये पूजा करके आते हैं दोस्तों, तो ये हमारे घर पर बनता है और इसी से हम मुँह जूठी आते हैं दोस्तों, उसके बाद में हम दूसरा कुछ खाते हैं। चलिए रेसिपी आप लोग से बतलाती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ललसा की रसोई में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा, जो चावल का आटा से दोस्तों हम पिठी बनाने वाले हैं। दोस्तों ये गोवर्धन पूजा पर हम लोग इसी से मुँह जूठी आते हैं दोस्तों। आप लोग क्या बनाते हैं एक बार मुझे जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं एक कटोरी एक थाली में चावल का आटा रख ली हूँ। दोस्तों ये दरदरा थोड़ा सा है, अगर आपके पास में महीन होगा ना तो उससे बहुत अच्छा हमारा जो पिठी है बनकर के तैयार होगा। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, गर्म पानी डाल करके दोस्तों आटा इनका गूथेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं दरदरा आटा ली हूँ, क्योंकि हम लोग किन कर लेकर के आते हैं तो ये दरदरा ही मिलता है दोस्तों यहाँ पर। और अगर आप मिल में पिसवा रहे हैं, चक्के से पीस रहे हैं दोस्तों, तो ये नरम होता है ना, जो सॉफ्ट आटा होता है रोटी बनाने वाला, वही रखिएगा, उससे बहुत परफेक्ट हमारा जो है पिठी बन करके तैयार होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं डो लगा ली हूँ दोस्तों। इन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। चिकना करने के बाद में हम ढक करके दोस्तों एक घंटा के लिए रख देंगे इन्हें। एक घंटा के लिए रखने से क्या होगा ना दोस्तों, आटा है जो अच्छे से फूल जाएगा। एक घंटा रखने के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मसल लेंगे, और मसलने के बाद में दोस्तों इन्हें हम पिठी बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर पिठी बनाने के लिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा हमें आटा ले लेना है, और आटा ले करके इस तरीके से लंबाई में हम बना रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इसे गोल भी बनाया जाता है, जैसे हम रसगुल्ला बनाते हैं दोस्तों उस तरीके से भी बनाया जाता है, और पेड़ा के शेप में भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लंबा वाला बना करके आप लोग से दिखला रही हूँ। तो देखिये दोस्तों यहाँ पर हम इसी तरीके से बना लेंगे। इन्हें हल्का लंबा करना है, और हल्का हाथ से दबा देंगे ना दोस्तों तो इस तरीके से शेप निकल करके आ जाता है। दोस्तों ये रेसिपी अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। दोस्तों ये ऐसा त्यौहार है दोस्तों जो भाई और बहन का त्यौहार है दोस्तों। भाई के लंबी उम्र के लिए दोस्तों बहन मनाती है त्यौहार, तो इस तरीके से अपने घर पर ये त्यौहार खुशी खुशी मनाइए दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सारा पिठी मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। तब चलिए हम इन्हें उबालेंगे दोस्तों, इन्हें स्टीम नहीं करेंगे हम, उबालेंगे। तो यहाँ पर देखिए उबालने के लिए एक मैं फ्राई पैन में पानी रखी हूँ गर्म होने के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमें जो पानी है ना एकदम खदकता हुआ चाहिए, एकदम खोल जाएगा तभी हमारा पिठी जो है टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं दोस्तों, और एकदम परफेक्ट बनेगा। अब यहाँ पर हम जो पिठी फ्राई बनाने वाले हैं, उबालने वाले दोस्तों, एक में चिपकेगा नहीं, सटेगा नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच रिफाइंड तेल डाली हूँ। और तेल डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम जो पिठी बना करके रखे हैं दोस्तों, एक एक किसी में हम पानी में डाल देंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं स्टीम करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मोमो बनाने वाला आता है ना स्टेन, उस पर भी बना करके आप तैयार कर सकते हैं। नहीं तो सूती का कपड़ा गर्म पानी पर बांध करके कोई बर्तन में, और उस पर भी रख करके स्टीम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सारा पिठी मैं डाल दी हूँ दोस्तों, और 5 मिनट के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें चम्मच चम्मच नहीं लगाना है, क्योंकि 5 मिनट के बाद जब अच्छा से पानी में सेट हो जाएगा तो एक बार हम इन्हें क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का हिला देंगे जो दोस्तों नीचे ऊपर जो है ना हो जाएगा, तो अच्छा से जो है पकेगा दोस्तों। ये पेठी की रेसिपी बहुत आसान तरीके से बन जाता है, इस तरीके से बना करके आप खा सकते हैं नाश्ता में दोस्तों, जैसे चटनी के साथ में भी इसे बना कर खा सकते हैं। अगर आप लोग को मीठा पसंद हो दोस्तों तो ये मीठा वाला भी बना करके खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं दोस्तों 5 मिनट के लिए उबाल ली हूँ, और 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इन्हें हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो इन्हें उबालने के लिए दोस्तों 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट हमें पहले उबाली थी, और 5 मिनट के बाद मैं चला दी थी एक बार, उसके बाद मैं 5 मिनट और उबाली हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पिठी निकाल लेंगे, और यहाँ पर टूथपिक लगा करके मैं दोस्तों चेक कर रही हूँ जी अच्छा से ये पका है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए लगा रही हूँ तो एकदम क्लीन निकल रहा है, साफ निकल रहा है दोस्तों। तो ये अच्छा से हमारा पिठी है वो पक गया है दोस्तों, 10 मिनट लगा है और आसानी से ये पक जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारा पिठी को दोस्तों निकाल करके रख लेते हैं एक थाली में। तो यहाँ पर देखिए सारा पिठी मैं इस तरीके से चम्मच से निकाल करके रख लेती हूँ दोस्तों। देखा आपने कितना आसान तरीके से बन गया है। इस भाई दूज पर दोस्तों आप लोग क्या बनाते हैं एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ दोस्तों ये इस त्योहार को गोवर्धन पूजा बोला जाता है, तो उसी पर हम लोग ये बनाते हैं, और हर एको आदमी जो है ना दोस्तों इसी से मुँह जूठ जाता है हमारे घर में, तब उसके बाद खाना खाते हैं या जो भी मन करे वो खाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए अच्छा सा ठंडा हो गया है, तो एक मैं प्लेट में निकाली हूँ दोस्तों, और ये लीजिए हमारा पिठी बन करके तैयार हो गया है। अगर आप मीठा बनाने के लिए चाहते हैं दोस्तों तो इसी तरीके से निकाल लीजिएगा, और थोड़ा सा चीनी डाल करके उसका पाक बना लीजिएगा, उसी में डाल करके चला लीजिएगा दोस्तों, और 2 मिनट पका लीजिएगा, अच्छा से जो है हमारा पिठी बन करके मीठा वाला तैयार हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर सादा बनाई हूँ दोस्तों तो इस तरीके से, तो अगर आप सादा बनाना चाहते हैं तो चटनी के साथ में इसे लेकर के खा सकते हैं, और नहीं तो इसी तरीके से भी खा सकते हैं दोस्तों, बहुत सुपर टेस्टी लगता है।
और जैसे जैसे ठंडा होगा ना दोस्तों, एकदम मस्त लगता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए मैं तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने घर पर ये रेसिपी एक बार बनाइए और खाइए। अगर एकदम बारीक वाला जो आटा लेंगे ना दोस्तों रोटी बनाने वाला, उससे भी बहुत सुपर टेस्टी जो है हमारा पिठी बन करके तैयार होगा। यहाँ पर तो मैं रखी हूँ दरदरा वाला, क्योंकि मार्केट में हमारे यहाँ दरदरा ही इसी तरीके से मिलता है। अगर आप चक्की में पिसवा रहे हैं या घर पर जाता में पिसवा रहे हैं तो उससे बहुत अच्छा जो है पिठी बन करके तैयार होगा। दोस्तों हमारा जो पिठी है एकदम बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से इस गोवर्धन पूजा पर आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा जो मेरी रेसिपी आप लोग को ऐसी लगी। अच्छी लगेगी तो ढेर सारा शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ।